करके देश की आजादी के उस आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के अपनी शहादत दी ऐसे वीर गुलाब सिंह लोधी को की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, 1935 में भारत के झंडे को पहना करके भारत की आजादी का घोष का आह्वान भारत माता के वीर सपूत ने किया था। उन्नाव से लखनऊ जाकर के रेजिडेंसी के पास उन्होंने आजादी के उस झंडे को फहराने का कार्य किया था, अपने आप को शहीद कर दिया, लेकिन हम सबके लिए एक स्वतंत्र भारत देने का कार्य किया, जिस भारत में आज हम आजादी के साथ अपनी आजादी के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे ही अनगिनत वीर योद्धाओं ने अपने आप को बलिदान किया, तभी देश आजाद हुआ। और आजादी के इन बंदों के प्रति नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को उसी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आजादी का अमृत महोत्सव जिस भव्यता के साथ देश के अंदर आयोजित हुआ, हर घर में तिरंगा फहरा करके मोदी जी ने वीर गुलाब सिंह लोधी के प्रति ही सम्मान व्यक्त करने का काम किया था। उस समय एक झंडा फहराने के लिए गोली खानी पड़ती थी, इस बार 140 करोड़ का भारत हर घर में तिरंगा लहरा करके अपनी आजादी की 75 वर्ष पूर्ण होने का उद्घोष कर रहा था। यही अंतर है, जब देश कोई देश स्वाधीन रहता है तो अपनी स्वाधीनता का आनंद किस रूप में लेता है। हर घर तिरंगा के आनंद ने हम सबको उसके साथ जोड़ने का कार्य किया था, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर आजादी के 25 वर्ष के आगामी कार्य योजना को देशवासियों के सामने रखा। यह देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत आगामी 100 वर्ष के लिए शताब्दी वर्ष महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा, कैसा भारत हमें चाहिए, कैसा भारत चाहिए? विकसित भारत, यानी हम सबका संकल्प विकसित भारत। उस विकसित भारत को बनाने के लिए हमें क्या करना है? हर नागरिक के लिए पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। ये पंच प्रण, इसमें आजादी के इन बंदों का सम्मान करना भी है, देश के सुरक्षा बलों के जवानों का सम्मान भी करना है, गुलामी के हिंसों को समाप्त भी करना है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास करना है, बांटने वाली ताकतों से सावधान रहकर के एकता और एकात्मता के लिए कार्य भी करना है, और अपने नागरिक कर्तव्यों का भी निर्वाह ईमानदारी पूर्वक करना है। नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह तभी हो पाएगा जब व्यक्ति संविधान पर विश्वास करेगा। नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसके लिए देश सर्वोपरि हो। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, पहले मेरे लिए देश होगा। जब इस लक्ष्य को लेकर के हम कार्य करते हैं तो फिर वह देश आगे बढ़ता है। आज भारत
पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस नित नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दिया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारा भारत पहले दुनिया में सम्मान नहीं था, लोग हंसते थे, तमाम प्रकार की टिप्पणी करते थे। पिछले 10 वर्ष में भारत ने विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की। पिछले 10 वर्ष में भारत आज दुनिया में नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का कार्य किया। किसी भी देश के लिए गौरवशाली हो सकता है। और ये आगामी कार्य योजना को भी हमारे लिए आह्वान करने के लिए, अमृत महोत्सव हम सबको एक नया आह्वान कर रहा है। अमृत काल का एक द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन सभी वर्षों के अंदर हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़कर के काम करना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके विकसित भारत का संघनाद भी हम सब भारतवासियों को करना है। बहनों भाइयों, आज उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश हो, विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आज हम सब फिर 241 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर के 9 जनपद में आए हैं। आप सोचिए, जब भी यहां पर हमारे सांसद जी, विधायक गण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, कुछ ना कुछ विकास के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होता है। कोई सड़क की है, कहीं बिजली की है, कहीं स्वास्थ्य की है, कहीं शिक्षा और आईटीआई का है, कोई बाढ़ अवरोधक कार्य करके अन्नदाता किसान को सुरक्षा प्रदान करने का है, कोई गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, अलग 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 प्रकार की योजनाओं को लेकर के आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों भाइयों, आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो जाति, मत, मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। आपने इस बदलते हुए भारत को देखा। आज ही मैं प्रातःकाल एक कार्यक्रम में लखनऊ में था और लखनऊ में उन्नाव के प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क का हमने वहीं पे कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उसका इंसेंटिव वितरित किया। यानी यहां पे भी उद्योग लगेंगे, उद्योग के लिए एक नए पार्क को विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा हम लोगों ने वहां पर अभी लखनऊ में इससे पहले के कार्यक्रम में की। और कार्यक्रम के बाद फिर मैं आपके पास यहां पर आया हूं। बहुत एमएसएमई उद्यमी वहां आए हुए थे। उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने आज एक नए भारत के अंदर हम देख रहे हैं, जहां सुरक्षा भी है, जहां समृद्धि भी है, जहां आजीविका भी है, आस्था को सम्मान भी है, जहां पर एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के गांव के प्रधान और गांव का पार्षद भी उस अभियान के साथ जुड़ करके आगे बढ़ करके काम कर रहा है। और आज उन्नाव तो वैसे भी बहुत उर्वरा भूमि रही है, यह साहित्यकारों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि भी है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद इसी धरती से देश की आजादी का विगुल ठोके थे। कौन नहीं जानता है कि यह धरती पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की धरती है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की धरती है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेहिक जी की धरती है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की धरती है, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की धरती है, श्री भगवती चरण वर्मा जी की धरती है,
डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की भूमि धरती है और आज के साहित्यकार के रूप में विधानसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की भी पावन धरती है। यानी क्रांति का क्रांति से लेकर के साहित्य की उपासना, राष्ट्र की उपासना से लेकर साहित्य की उपासना यहां की उर्वरता को बताता है, प्रदर्शित करता है। और आज इस धरती पर हम लोगों ने अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न किया। ये जो प्रांगण है ना, इसी के बगल में उत्तर प्रदेश पुलिस का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, वह भी शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के नाम पर है। आप सोचिए, यही परिवर्तन होता है। स्वाधीन भारत का मतलब यही होता है। कभी पुलिस की गोली से गुलाब सिंह लोधी शहीद हुए थे और आज उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्रेनिंग का जो बेहतरीन केंद्र है वह नाम शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर वह ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जो प्रशिक्षण लेती है उस प्रशिक्षण केंद्र का नाम भी शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर है। बहनों और भाइयों, विकास की गति निरंतर आगे बढ़ती रहे, चाहे वह देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण आप देख रहे होंगे, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, 4 लेन 2 लेन, अब तो कोई गांव की सामान्य पगडंडी की बात नहीं करता, जो भी कहता साहब 2 लेन और 4 लेन की सड़क की बात करता है। और 2 लेन और 4 लेन की सड़क को हम लोग हर एक जगह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना चाहते हैं। अभी यहां पे आपके माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज ने जो बात कही, जिस सड़क के बारे में कही, कोई सड़क छूटेगी नहीं, सभी सड़कों को हम 4 लेन और 2 लेन के साथ जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए, उस जनपद की, उन गांवों की, उन नगर निकायों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाली है। आज विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी आपने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी देखा होगा, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, गत वर्ष 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और 1 वर्ष के अंदर ही 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए। यह भी दुनिया ने देखा है, क्योंकि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। विकसित भारत हमारा होगा तब जब उत्तर प्रदेश होगा विकसित। उत्तर प्रदेश होगा विकसित तब जब उन्नाव जैसे जनपद भी विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और विकसित उत्तर प्रदेश के मार्ग में सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। उन्नाव तब विकसित होगा जब चंद्रिका खेड़ा जैसा गांव भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ेगा। हर गांव, हर नगर निकाय आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने अग्रसर हो। इतनी योजनाएं, आज गरीब को अन्य योजना का लाभ मिल रहा है, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर गरीब के पास अपना मकान हो, सिर ढकने के लिए छत हो, हर गरीब के पास अपना रोजगार हो, फैमिली आईडी कार्ड हम जारी करने जा रहे हैं बहुत शीघ्र। 15 करोड़ लोगों को हमने उसमें फीड कर दिया है, कुछ और उसमें एक्सरसाइज चल रही है, जिस दिन हम लागू करेंगे उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार के साथ जोड़ने के अलावा 100% सिचुएशन के लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने बड़ी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। और इन्हीं सब कार्यों को डबल इंजन सरकार की ताकत है। आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ा है। यह परिवर्तन है। पहले लोग बाहर नहीं निकलते थे, गुंडे माफिया हावी होते थे, आज गुंडे माफिया गायब हो गए हैं। पहले विकास आता नहीं था, अब विकास भी आ रहा है और विरासत का भी सम्मान दिया जा रहा है। जैसे गुलाब सिंह लोधी जी की आज भव्य प्रतिमा और स्मारक का आज यहां पे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ,
सातन पासी के किले के भी पुनरुद्धार के लिए सरकार किसी प्रकार की बड़ी कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, यह सरकार डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार इसलिए है क्योंकि आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। आप मुझे बताइए कि अयोध्या में रामलला का मंदिर कांग्रेस के लोग बना पाते, समाजवादी पार्टी के लोग बना पाते, जब उनसे न गरीब को राशन में दे सकते हैं, न गरीब को मकान दे सकते हैं, न स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सकते हैं और न राम मंदिर निर्माण करके आपकी आस्था को सम्मान कर सकते हैं, तो फिर अपना वोट खराब करके क्यों उन लोगों को अपने ऊपर बोझा के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसीलिए हम आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर एक आवाज है और आवाज है 2024 में फिर से, फिर एक बार मोदी सरकार का पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है। क्या आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, में यहां के लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे आज इस जनपद में चंद्रिका खेड़ा गांव को देखने का मुझे अवसर दिया है। वास्तव में आधुनिक भारत के तीर्थ हैं, आधुनिक भारत के तीर्थ जिनकी शहादत के कारण, जिनके बलिदान के कारण यह देश आजाद हुआ, उनकी मातृभूमि को देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और आज शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम करने के साथ ही यहाँ के विकास को और गति देने के लिए मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आपको होली की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा कि जो कार्य करे बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ दे, सुरक्षा की योजना, सुरक्षा की बेहतर सुविधा आपको उपलब्ध कराए, उन्हीं को सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसी आह्वान के साथ आज पूरा देश फिर से इसी बात को का आह्वान कर रहा है कि 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार आनी ही चाहिए, वही देश को फिर से देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से शहीद गुलाब सिंह लोधी को उनकी पुण्य स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विकास की योजनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के सभी मान्य जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूँ और आप सबके प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।